मनुष्यों की मुक्ति की तरह ही कविता की भी मुक्ति होती है। जिस तरह मुक्त मनुष्य किसी दूसरे के प्रतिकूल आचरण नहीं करता, उसके तमाम काम औरों को खुश करने के लिए ही होते हैं, फिर भी स्वतंत्र, इसी तरह कविता का भी हाल है। ये महत्वपूर्ण कथन परिमल की भूमिका में निराला जी ने लिखा है। हम बात कर रहे हैं हिंदी कविता के छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। वो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा के साथ हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते रहे हैं। उन्होंने कहानियां, उपन्यास और निबंध भी लिखे हैं, पर उनकी ख्याति विशेष रूप से कविता के कारण ही है। निराला जी को महाप्राण भी कहा जाता है। इस संज्ञा के पीछे उनके द्वारा किए गए कार्य और साहस है। उनके जीवन में कष्ट ही कष्ट रहे, पर उनकी आत्मा में वसंत की खुशबू रची बसी रही। वैसे तो आज 21 फरवरी को निराला जी का जन्मदिन माना जाता है, पर इनके जन्मदिन को लेकर भी काफी मतभेद है। खुद निराला जी अपना जन्मदिन वसंत पंचमी के दिन मनाया करते थे। निराला जी का जन्म सन 1896 ईस्वी में बंगाल के महिषादल रियासत में जिला मिदनापुर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था, जो कि महिषादल रियासत में ही एक सिपाही की नौकरी करते थे। इनका परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश का था। इनके पिता पंडित राम सहाय त्रिपाठी उन्नाव के रहने वाले थे। इनकी माता जी का नाम रुक्मणी था। जब निराला जी 3 साल के थे, तब इनकी माता जी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनके पिता ने उनकी देखभाल की और जब निराला 20 साल के हुए तो इनके पिता की भी मृत्यु हो गई। निराला जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बंगाल के एक स्कूल से ही पूर्ण की। इन्होंने केवल हाई स्कूल तक ही शिक्षा प्राप्त की थी। हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद निराला जी ने हिंदी, संस्कृत और बांग्ला आदि भाषाओं का अध्ययन किया। इनका विवाह 15 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक ऐसी महामारी फैली जिसके दौरान उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद इनका शेष जीवन बहुत ही कष्टकारी और आर्थिक मंदी के साथ गुजरा। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो ऐसा नहीं कहा। ये लाइनें बताती हैं कि निराला का जन्म गहन संघर्षों से भरा था। उनके जीवन का संघर्ष उनकी कविताओं में भी दिखता है। निराला ने प्रेम, किसान, स्त्री जैसे विभिन्न विषयों पर लिखा। उन्होंने कविता में कई प्रयोग भी किए। निराला जी का व्यक्तित्व बहुत ही विद्रोही और क्रांतिकारी था। अपने समकालीन अन्य कवियों से अलग उन्होंने कविता में कल्पना का सहारा बहुत ही कम लिया और यथार्थ को प्रमुखता से चित्रित किया है। निराला जी ने अपने लेखन से समाज की कुरीतियों पर भी काफी प्रहार किया है, जिसके कारण परंपरागत हिंदी काव्य प्रेमियों से उन्हें अपमान और बहिष्कार भी झेलना पड़ा। उनकी पहली कविता जन्मभूमि प्रभाव नामक मासिक पत्रिका में जून 1920 में, पहली कविता संग्रह 1923 में अनामिका नाम से और पहला निबंध बंग भाषा का उच्चारण अक्टूबर 1920 में मासिक पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुआ था। निराला जी ने 1922 से 23 के दौरान कोलकाता से प्रकाशित समन्वय का संपादन किया। 1923 के अगस्त में मतवाला के संपादक मंडल में भी काम किया। इसके बाद लखनऊ में गंगा पुस्तकमाला कार्यालय और यहां से निकलने वाली मासिक पत्रिका सुधा से 1935 के मध्य तक संबंध रहे। इन्होंने 1942 से मृत्यु पर्यंत प्रयागराज में रहकर स्वतंत्र लेखन और अनुवाद कार्य भी किया। अब आइए जानते हैं निराला जी के जीवन की एक प्रमुख कहानी संग्रह से संबंधित घटना के बारे में। चतुरी चमार में निराला जी ने उस दौर के शोषणकारी व्यवस्था का मार्मिक चित्रण किया है। निराला जी की ये रचना मानव निर्मित जाति भेद पर आधारित ऊंच नीच की विडंबना से सताई गई निम्न जाति में आत्मसम्मान की चेतना के प्रादुर्भाव की कहानी है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इस पर लिखा, गुरुमुखी ब्राह्मणों ने निराला के घड़े का पानी पीना छोड़ दिया। निराला जी की अपनी ही परिवेश से टक्कर अपने समय की प्रचलित पुरानी काव्यगत रूढ़ियों से थी। उनकी रचनाओं को पुराने साहित्य के मीमांसक अपनी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में छापने से मना कर देते, उनके खिलाफ मुहिम चलाकर अपमानित करते थे। एक अन्य रोचक घटना जो उनके सरल स्वभाव और करुणामय हृदय को बताता है, जिसका उल्लेख कला की रूपरेखा शीर्षक से किया गया है। निराला जी के जीवन का वह किस्सा जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति की बिना किसी पहचान की भी निस्वार्थ मदद की। एक मद्रासी युवक निराला जी से चादर मांग कर ले गया। निराला जी के एक मित्र पाठक जी ने कहा, ये आपकी चादर वापस नहीं करेगा, अभी दोपहर को गुदड़ी बाजार में 8 आने में बेच आएगा। जिस पर उन्होंने साधारण सा जवाब दिया, हो सकता है पर उसकी बात भी सच हो सकती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अनेकों प्रकार के काव्य संग्रह को प्रकाशित किया है, जैसे गीतिका 1936 में, अनामिका 1923 में, कुकुरमुत्ता 1942, परिमल 1930। कहानी संग्रह में उन्होंने लिखी लिली 1934 में, शुक्ल की बीवी 1941 में, देवी 1948 में, चतुरी चमार 1945 में, सखी 1935 में। उपन्यासों में प्रभावती 1936 में, अक्षरा 1931 में, अलका 1933 में, चोटी की पकड़ 1946 में
और काले कारनामे 1950 में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन का अंतिम समय प्रयागराज के दारागंज नामक मोहल्ले में एक छोटे से कमरे में बीता। इनकी मृत्यु उसी कमरे में 15 अक्टूबर सन 1961 को हुई थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को उनके मरणोपरांत भारत का प्रतिष्ठित सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। फिलहाल हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। यूपी से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें बातें यूपी की।